Hello everyone, this is Ghanshyam Joshi and welcome to all of you in this lecture. Previous lecture में बच्चों हमने exercise 2.2 का बच्चों basic किया था. आपको बहुत सारे formulas लिखवाए थे मैंने बच्चों. I hope so आप सभी ने लिख लिए होंगे और आप सभी को याद होंगे. अगर बच्चों याद नहीं है तो एक बार आप revise कर लीजिए आप और उसके बाद ये lecture देखो बच्चों, आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा. हाँ जी बच्चों, बात करते हैं exercise 2.2 पर. बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो, प्रूव द फॉलोइंग्स. प्रूव करना है बच्चों, क्या करना है, प्रूव करना है. प्रूव का मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन की बच्चों अपने राइट हैंड साइड लेके चलते हैं. कौन सी साइड, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड थोड़ी सी बड़ी दिख रही है अपने को, तो अपने ट्राई करेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ पुट कर लें. ये जो बच्चों सामने ये जो कंडीशन गिवन होती है, ये आपको समझने के लिए होती है, या समझने के लिए अगर अपने बात करें, ये बच्चों एक तरीके से क्या डोमेन है, क्या है डोमेन, वो आपको क्वेश्चन इस बिहाफ पे देता है जिस बिहाफ पे ये बच्चों कंडीशन ट्रू हो. ऐसी बहुत सी कंडीशन होती है जो बच्चों एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए वो जो डोमेन है डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है इस पे माइनस हाफ से प्लस हाफ, ताकि आपने इनवर्स वाले जो फॉर्मूला सीखे हैं वो आप अप्लाई कर सकें. ओके बच्चों, ये इसलिए होती है बच्चों कंडीशन, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये. जैसे बच्चों कोई एग्जाम होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उनमें अगर ये कंडीशन ना लिखे ना, अगर ऐसी कंडीशन ना लिखे तो वो क्वेश्चन बच्चों बैन हो जाता है, या क्वेश्चन वो क्या गलत माना जाता है, रॉन्ग माना जाता है, फिर बच्चों रिट लग जाती है. आप सुनते हो ना कि हाँ भाई उस एग्जाम की रिट लगी, वो एग्जाम कोर्ट के अंदर है, उसकी बात रिट कोर्ट में लगा रखी है, उसके एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो बच्चों ये रीजन होती है. एग्जामिन कई बार ये कंडीशन नहीं लिखता, उस बिहाफ पे स्टूडेंट कहता है कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है. ठीक है आई बच्चों बात समझ. जैसे मैं लिखता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं रूट एक्स की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर रूट एक्स की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है. लेकिन बच्चों आप ये भी तो कह सकते थे कि सर एक्स की रूट एक्स की वैल्यू आ ही नहीं सकती, रूट एक्स की वैल्यू आ ही नहीं सकती, एक केस ऐसा भी है. तो मैं आपसे पूछूं कौन सा, अब आप कहोगे सर जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. तो इस तरीके से बच्चों, ठीक है बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन पे बात करते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं बच्चों इसकी, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब. तो बच्चों ये जो इनवर्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, इनमें कुछ ना कुछ पुट करना होता है, और वो पुट क्या करना है वो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है. और वो दिमाग कैसे चलेगा वो मैं एक बार चलवा देता हूँ, आपका दिमाग ट्रैक पे ले आता हूँ, फिर आपका ऑटोमेटिक चलेगा बच्चों. जैसे मैं इस क्वेश्चन में एक्स की जगह बच्चों पुट करूंगा साइन थीटा. साइन थीटा क्यों पुट करूंगा, ये आपको पता है 3 sin θ, अगर एक्स की जगह साइन थीटा आ जाए तो 3 sin θ माइनस 4 sin³θ बच्चों फॉर्मूला था, याद आ रहा है, 3 sin θ माइनस 4 sin³θ बच्चों फॉर्मूला था sin³θ का, sin³θ का जो फॉर्मूला जहां यूज हो रहा है वो बच्चों सामने लिख देना. तो बच्चों sin³θ का फॉर्मूला था ना, और बाहर साइन इनवर्स है, तो ये साइन इनवर्स इस साइन को कैंसिल कर देगा बच्चों. मैं करके दिखाता हूँ आपको, फिर समझ आएगा. एक क्वेश्चन तो करके दिखाना पड़ेगा. ये देखो बाहर वाला साइन इनवर्स एज इट इज, अंदर बच्चों मैंने एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दिया, तो ये बना 3 sin θ माइनस 4 sin³θ. ठीक है तो ये बन गया बच्चों साइन इनवर्स, अंदर बच्चों बन गया sin³θ का फॉर्मूला बन गया, और ये बन गया साइन इनवर्स और साइन क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल आउट ईच अदर. तो बच्चों क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 3θ बच गया. और बच्चों जहां पर आप एक्स की वैल्यू पुट करते हो ना, जहां पर आप एक्स की वैल्यू पुट करते हो वहां से थीटा भी निकाल लिया करो, थीटा क्या आएगा, ये साइन उधर चला जाएगा बच्चों. तो थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स. वो अपने हमेशा लास्ट में पुट करेंगे, वो बच्चों अपने हमेशा लास्ट में पुट कर दिया करेंगे. 3 θ की वैल्यू बच्चों ये जो है ये यहाँ पे पुट कर लो, 3 θ क्या था, साइन इनवर्स एक्स. तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये प्रूव करना था, आइए मैं आपको शो कर देता हूँ. ये देखो 3 sin⁻¹ ही प्रूफ करना था. तो बच्चों बस इतनी सी बात है, राइट हैंड साइड लेके चलो और बच्चों प्रूफ कर दो, समझे बात. इसका सेकंड क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, होमवर्क दे देता हूँ सेकंड क्वेश्चन आपको. सेकंड क्वेश्चन बच्चों मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसमें भी सेम यही पुट करो. सेकंड क्वेश्चन में बच्चों जो आप राइट हैंड साइड लेके चलोगे उसमें एक्स की जगह कोस थीटा पुट कर दो, बस कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x. तो यहाँ पे बच्चों पुट कर देना एक्स की जगह कोस थीटा, तो आपके कोस 3θ का फॉर्मूला बन जाएगा, और बाकी गेम सारा का सारा सेम. आई बच्चों बात समझ, सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है.
अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये रहा थर्ड क्वेश्चन हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन से भी बच्चों सिंपल है, थोड़े से लेंथी है, बस है सिंपल लेंथी है। थर्ड क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहे हैं, इसको सिंपलीफाई करना है। क्या करना है बच्चों, सिंपलीफाई। सिंपलीफाई का मतलब है आपको एक्स की जगह कुछ पुट करके इसको सोल्व करना है, और जितना सोल्व हो उतना सोल्व करना है। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, टेन इनवर्स √1 + x² x² - 1 और डिवाइड में बच्चों एक्स। बच्चों यहाँ पर आपको क्लास 10th वाले फॉर्मूला आने चाहिए। जब भी 1 + tan² थीटा, जब भी 1 + x² दिखे तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला, या बच्चों 1 + cot² थीटा का भी क्लिक हो सकता है। ठीक है, ये होता है cosec² थीटा। बच्चों यहाँ से कंपेयर करके आप दिमाग लगा सकते हो इस एक्स की जगह क्या पुट हो सकता है, आइदर 10 थीटा और कोट थीटा। तो बच्चों अपने 10 थीटा पुट करके चलते हैं। अपने क्या पुट करते हैं बच्चों, 10 थीटा पुट करते हैं। देखिएगा, पुट एक्स इक्वल बच्चों 10 थीटा। अगर एक्स की जगह 10 थीटा पुट करेंगे तो बच्चों ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ से बच्चों मैंने आपको कहा था प्रीवियस क्वेश्चन में साथ के साथ थीटा की भी वैल्यू निकाल लिया करो, 10 इनवर्स x। ठीक है, आइए आगे सोल्व करते हैं इसको। इसको बच्चों आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा 10 इनवर्स। ध्यान से देखना, रूट में 1 + tan² थीटा -1/ में एक्स की जगह 10 थीटा। सोल्व करो, 10 इनवर्स रूट में 1 + tan² थीटा क्या होता है बच्चों, sec² थीटा होता है। sec² थीटा होता है, और बच्चों रूट भी लगा हुआ है, रूट भी लगा हुआ है, -1/ में 10 थीटा एज इट इज। ठीक है, अब रूट से बाहर ले आओ इस राजा जी को, ये जो राजा बैठा है रूट के अंदर, इसको बाहर निकालो। मैं ये बन गया sec θ - 1/ में 10 थीटा। अब आपको पता है sec 10 ऐसे दिखे तो इनको साइन कोस में चेंज कर लिया करो, इसमें चेंज कर लेंगे बच्चों साइन कोस में। ये बन जाएगा 10 इनवर्स 1/ में cos θ -1/ में sin θ/ में cos θ। ये बना लो इस, अब ऊपर भी एलसीएम ले लो, नीचे भी एलसीएम लो। 10 इनवर्स, ऊपर एलसीएम आया cos θ, और बन गया 1 - cos θ। ठीक है, और बच्चों नीचे क्या है, sin θ/ में cos θ। आई गेम समझ, गेम समझ आ रही है बच्चों आपको, इसे रात हो रही है थोड़ी 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 आ रही है, तो मुझे बाकी भी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फ्रैक्शन था, इस cos θ से ये cos θ काट दो, तो रिमेनिंग क्या बचेगा बच्चों, रिमेनिंग आपके पास बचेगा, बाहर तो चल रहा था 10 इनवर्स, ऊपर बना है बच्चों 1 - cos θ, नीचे बना है बच्चों sin θ। अब आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर में इनके फॉर्मूलाज लिखवाए थे, अगर आपको याद हो तो। 1 - cos θ याद है क्या था? हाँ जी सर याद है, 1 - cos θ आपने लिखवाया था, 2 sin²θ/2, और सिर्फ sin θ का क्या लिखवाया था याद है, सिर्फ sin θ का आपको भी सर याद है। sin²a का था 2 sin²a cos, तो sin θ का हो जाएगा सर 2 sin θ/2 cos θ/2, क्योंकि सर sin²a में होता है ना, जो एंगल 2a होता है तो आंसर में sin a cos से हो जाता है, यानी एंगल हाफ हो जाता है, तो sin θ का 2 sin θ/2 cos θ/2 हो जाएगा सर। मैंने कहा वाह बच्चों आप तो बहुत समझदार, यू आर सो इंटेलिजेंट, सो ब्रिलियंट। तो बच्चों पुट कर दो 1 - cos θ का फॉर्मूला, 2 sin²θ/2 में sin θ का पुट कर दो, 2 sin θ/2 cos θ/2। एक साइन से बच्चों एक साइन काट दो, इस 2 से ये 2 काट दो, 10 इनवर्स। ऊपर क्या रह गया बच्चों, ऊपर तो रह गया सर sin θ/2, एंड नीचे रह गया सर cos θ/2, और हमें पता है सर ये sin/cos बन रहा है, एंड एज वी नो sin/cos इज 10 थीटा, एज वी नो यू नो आई नो। क्या होता है बच्चों, sin/cos क्या होता है, 10 थीटा होता है।
क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। तो टेन थीटा बाई टू बनेगा ना, सिर्फ टेन थीटा थोड़ी बनेगा, टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा, तो बी अबाउट जस्ट थीटा बाई टू। और थीटा की वैल्यू बच्चों आपने फाइंड की थी, आ जाओ ये देखो, ये रही थीटा की वैल्यू, टेन इनवर्स एक्स, ये पुट कर दो तो हाफ टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया हाफ टेन इनवर्स एक्स इज आवर आंसर। आई बच्चों बात समझ, सिंपल सा है, बस जैसे जैसे कैलकुलेशन होती जा रही है वैसे वैसे करते जाओ। एक्स की जगह टेन थीटा पुट करो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा को साइन कोस में चेंज कर लो, ये बनेगा वन वन माइ वन बाय कोस थीटा माइनस वन, नीचे साइन बाय कोस, कोस से कोस कट जाएगा एलसीएम आने के बाद, पहले मत काट देना, एलसीएम लेके काट लो। फिर वन माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला आपको पता था और साइन थीटा का भी फॉर्मूला बच्चों आपको पता था, पुट कर दिया, कटने वाले कट गए, रहने वाले रह गए, साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू अपॉन में, तो टेन थीटा बाई टू बनेगा एंड वी हैव गॉट थीटा बाई टू, और थीटा की वैल्यू पुट कर दी टेन इनवर्स एक्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है। अभी ये फॉर्मूला तो लगाए थे हमने, सेम वही कंसेप्ट लेके चलना है, टेन इनवर्स करवा देता हूं मैं आपको, देखिए टेन इनवर्स रूट में क्या है बच्चों, ऊपर तो वन माइनस कोस एक्स है, अपॉन में वन प्लस कोस एक्स है। तो बच्चों इनके फॉर्मूला अभी लिखे थे हमने, वन माइनस कोस थीटा होता है बच्चों टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, एंड वन प्लस हो बच्चों तो होता है वो टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। हमेशा लिखा करो फॉर्मूला, जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है तो वहां पर बच्चों वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर दिया करो, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे कि बच्चे को नॉलेज है। टेन इनवर्स इन स्क्वायर रूट, वन माइनस कोस हो गया बच्चों टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, एक्स है ना यहाँ पे इसलिए, और टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, सॉरी एक्स बाय टू, टू से टू कट गया बच्चों, टू से टू कट गया, टेन इनवर्स अंदर बच्चों बन गया साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर, ये बन गया बच्चों टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। टेन इनवर्स और टेन टेन स्क्वायर जो है बच्चों इसको रूट से बाहर लाओ, मैंने वी हैव गॉट टेन एक्स बाई टू, और टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो गए, वी हैव जस्ट एक्स बाई टू। ये सिंपल सा था बच्चों, वन माइनस कोस एक्स का और वन प्लस कोस एक्स का, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाते वक्त बताया भी था कि ये फॉर्मूला बहुत बहुत बार यूज होगा बच्चों, तो हो रहा है आपके हिसाब से, आपके सामने देखो। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, फिफ्थ क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए करते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो भले ना हो, जो मर्जी हो, हमें तो करने ही करने। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। टेन इनवर्स ऊपर क्या है, ऊपर तो लिखा है बच्चों कोस माइनस साइन, नीचे कोस प्लस साइन, ठीक है जी, ऊपर लिखा है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपॉन में बच्चों कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। आई बात समझ आ रही है, बात समझ? तो बच्चों बस इसके अंदर आपको क्या करना, मैं करके दिखाता हूँ तभी समझ आएगा ये। हाँ जी बच्चों देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों, जिन बच्चों को याद हो सकता है वो थोड़ी सी ट्रिक याद रखना, जिनको नहीं याद हो सकता वो भी याद करो, क्योंकि क्वेश्चन तो करना ही होता है। ऊपर बच्चों जब भी कोस माइनस साइन हो, नीचे जब भी कोस प्लस साइन, ऐसा कुछ बने तो हमेशा कोस कॉमन ले लिया करो बच्चों, ऊपर से भी कोस कॉमन लो तो बनेगा वन माइनस, जिसके पास नहीं है उसके अपॉन में चला जाता है, जिसके पास नहीं होता उसके अपॉन में चला जाता है, याद रखना। नीचे भी कोस एक्स कॉमन आ गया तो जिसके पास नहीं है उसके अपॉन में चला जाएगा, उसके अपॉन में चला जाएगा, इतनी बात समझो पहले। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोस कॉमन लिया, कोस से कोस कट भी गया, ऊपर बन गया बच्चों वन माइनस साइन बाय कोस, नीचे बन गया वन प्लस साइन बाय कोस। अभी देखते जाओ क्या क्या होगा इसके अंदर। वन माइनस साइन बाय कोस होता है बच्चों टेन एक्स, क्या होता है बच्चों
टेन एक्स, तो ऊपर बन गया बच्चों वन माइनस टेन एक्स, नीचे बन गया वन प्लस टेन एक्स। आगे समझो, बाहर वाला टेन इनवर्स एज इट इज। बच्चों अब दिमाग से मैंने सोचा कि अगर मैं इस वन को बच्चों क्या लिख दूं, टेन एक्स लिख दूं, सॉरी टेन पाई बाय फोर लिख दूं, और ये जो नीचे वाला टेन एक्स है इसके मल्टीप्लाई में भी एक वन है, इसको भी मैं टेन पाई बाय फोर लिख देता हूँ। बच्चों क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 10 45 डिग्री या 10 पाई बाय 4 क्या होता है बच्चों, वन होता है, 10 पाई बाय 4 वन होता है। तो इस वन की जगह बच्चों मैंने लिखा 10 पाई बाय 4। समझ रहे इस बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बस इस क्वेश्चन की, इतनी बात समझनी है इसमें। इस वन को 10 पाई बाय 4 लिखो, ये 10x एज इट इज, नीचे वन प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू में 10x आ गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया ये, अगर आपको फील हो रहा है फॉर्मूला तो बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद आ रहा है आपको क्या होता है, टेन ए प्लस बी का? हाँ जी सर याद है, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी और अपॉन में होता है सर टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी होता है सर, क्या होता है वन माइनस टेन ए टेन बी। तो बच्चों यही नहीं बन रहा, ध्यान से फील करो इसको, इसको फील करो, ये देखो टेन ए क्या बन रहा है, टेन ए यानी ए कितना बच्चों, ए ए अपने पास यहाँ पे 45 डिग्री है, कंपेयर करोगे ना ए पाई बाय फोर और बी क्या बच्चों, बी की जगह एक्स है, बी की जगह बच्चों क्या है एक्स है, ये आप सोच सकते हो यहाँ पे कंपेरिजन। तो ये बन गया बच्चों टेन टेन पाई बाय फोर बच्चों, लेकिन ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो बच्चों ये बना टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स का फॉर्मूला। और इससे फायदा क्या हुआ कि ये टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग बचा पाई बाय फोर माइनस एक्स वो हमारा आंसर हो, वो हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। बात समझ आई? हाँ जी सर समझ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहले कोस कॉमन लेना है, फिर कट जाएंगे, ऊपर बनेगा वन माइनस टेन एक्स, नीचे वन प्लस टेन एक्स बनेगा, उस वन की जगह सर अपने पाई बाय फोर लिख देंगे, टेन पाई बाय फोर लिख देंगे, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, फिफ्थ क्वेश्चन बीन कंप्लीटेड, फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए। तो बच्चों इस लेक्चर में अपने ये सिर्फ 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी बच्चों मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ। मिलते हैं बच्चों एक शानदार लेक्चर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।